दुनिया भर में आज भी कई तरीके की अजीबोगरीब रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली शादियों में भी कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है, जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। शादियों में पालन किए जाने वाले रीति रिवाजों का अलग अलग महत्व होता है। भारत की शादियों में जूते चुराने की रस्म बहुत ही फेमस है, लेकिन अगर दूसरे देशों में लोग इसके बारे में जानेंगे तो उनको बड़ा ही अजीब लगेगा सोचने में। जरा आप ही सोच के देखिए, अगर आपको कोई दूसरे देश के बारे में ये रस्म बताए तो आपको कैसा लगेगा। इसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में भी शादियों में कई तरह की रस्मों का पालन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं बेहद अजीबोगरीब होती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको साउथ कोरिया में होने वाली एक अजीब सी रस्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर शायद आप हैरत में पड़ जाएं। यहाँ की शादी में लड़के की मर्दानगी को जानने के लिए लड़की के घर वाले उस लड़के की बहुत पिटाई करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं वहाँ के कुछ अनोखे और अजीब से रीति रिवाज के बारे में। साउथ कोरिया में लड़के और लड़की को शादी के बाद बांध दिया जाता है और उल्टा लटका दिया जाता है, आप इमेजेस में देख ही सकते हैं। इसके बाद लड़के के तलवों पर डंडों से मारा जाता है और उस पे जूते भी चलाए जाते हैं, जो कि सुनने में बहुत ही भद्दा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। इस परंपरा का पालन करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। साउथ कोरिया के लोगों का मानना है कि जो लड़के इस परंपरा में पास हो जाते हैं तो उन्हें आने वाले टाइम में रिलेशनशिप में कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत और परेशानी नहीं होती है, और वो पहले ही मार खा जाते हैं तो पूरी जिंदगी मजबूत बने रहते हैं। साउथ कोरिया में इस रस्म को लोग काफी ज्यादा खुशी और उल्लास के साथ मनाते हैं। बताया जाता है कि दूल्हे के दोस्त ही अपने दोस्त को, यानी कि जो लड़का होता है, उसको लटका देते हैं और उसके तलवों पर डंडे चलवाते हैं खड़े होकर। साउथ कोरिया की तरह दुनिया के कई देशों में अजीबोगरीब रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, जो दूसरे देश के लोगों को सुनने में अजीब जरूर लगता है, लेकिन जब असलियत में वहां पे ये चीज हो रही होती है ना, तो इसे बहुत ज्यादा खुशी से मनाया जाता है। खैर, आपका इस रिवाज पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमें सजेस्ट भी करना कि आपको इसके अलावा किस अनोखे रीति और रिवाज के बारे में पता है। मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।